गुजरात के कॉटन इंडस्ट्री के छोटे व्यापारी इन दिनों काफ़ी परेशान हैं। व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गो न्यूज़ संवाददाता रमन ममगई ने व्यापारियों से बात कर उनकी परेशानियां सुनी। ये जनक भाई हैं मेरे साथ, कॉटन इंडस्ट्री है इनका, छोटा सा एक कारोबार है। जनक भाई, कितनी मशीनों की ये फैक्ट्री है आपकी? 24 मशीन। कितना कपास की जरूरत पड़ती है हर दिन? हर दिन 24 घंटे में 800 क्विंटल की जरूरत पड़ती है, 800 क्विंटल। तो काम धंधा कैसा चल रहा है? भी तो क्या, ये जीएसटी की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। उसका जो जीएसटी में उसका जो पहले जो क्या था, माल बेचने के बाद जो टैक्स हम किसी के पास से वसूल करते थे वही भरने का आता था। अभी तो हमने माल आज खरीद लिया तो टुमारो उसका वो भरने के लिए बता रहा है सब। 2 लाख रुपया एवरेज हमको टैक्स का देना पड़ता है, वो वापस हमको मिल जाता है, लेकिन 100 दिन के बाद, 90 दिन के बाद, 110 दिन के बाद मिलता है। तो 100 दिन के हिसाब लगाते हैं तो हम हमारा जो घर के जो जो है हाँ उसमें 2 करोड़ रुपया समझ लो, ये 90 दिन के 100 दिन तक हम जो उसको दे दे टैक्स को भरपाई करे पे करे तो हमको ये 2 करोड़ रुपया हमारे जेब में से अभी निकल जाता है। तो 2 करोड़ जेब में से निकल जाने के बाद हमारे पास तो ऐसी कोई 25-50 करोड़ की मूड़ी नहीं है, या हमारे पास इतना बैलेंस नहीं है। हम 2-3 करोड़ लेके बैठे हैं, 2-3 करोड़ बैंक देते हैं, उसमें से 2 करोड़ तो ऐसे ही चला जाता है, फिर बचेगा क्या है वो समझ में नहीं आता। यानी सरकार ने जल्दबाजी में कदम उठा दिया आपको लगता है, आप जैसे छोटे व्यापारी? सरकार ने जल्दबाजी से कदम तो उठा लिया, लेकिन वो किसी की सुनता नहीं है ना। जल्दबाजी में कदम उठा लिया, फिर बाद में किसी की सुने प्रैक्टिकल कोई हमारा जो एसोसिएशन लेवल जो होता है, सभी एसोसिएशन वाला हड़ताल पर जा रहे हैं, लेकिन वो किसी को सुनता ही नहीं, तो उसके मन में जो आए वो ही करता है। समझो किसी की सुने तो उसको भी पता चलेगा कि ये परेशान है, इस वजह से उसका टैक्स कहीं जाने वाला नहीं है, लेकिन वो फर्क इतना है आज देने का है या 3 महीने के बाद देने का है या महीने के बाद देने का, उसमें ही फर्क है। ये व्यापारी है, छोटे व्यापारी है, 2 करोड़ बड़ी रकम होती है, कितने का ही इनका पूरा व्यापार का पूरा सेटअप है, टैक्स देना चाहते हैं सरकार को, बिल्कुल भी अपना टैक्स नहीं बचाना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं चीजें सरल हो, उनका व्यापार चलता रहे। सुरेंद्र नगर से रमन अंगाई, गो न्यूज के लिए।